मध्य प्रदेश के सत्ता परिवर्तन पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। परेशान होकर 1967 में राजमाता विजयराजे सिंधिया ने सत्ता परिवर्तन किया था, ठीक वैसा ही अब उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। सिवनी मालवा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, ये सत्ता का पीठ पर परिवर्तन है। ऐसा पहले 1967 में हुआ था, तब राजमाता विजयराजे सिंधिया ने सरकार का परिवर्तन किया था, संविद सरकार बनाई थी और फिर इतिहास दोहराया गया है और उन्हीं के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस की धोखेबाज सरकार को उखाड़ दिया है। कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया, 2 लाख का कर्ज 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन ना तो मुख्यमंत्री बदला और ना ही किसानों का कर्ज माफ किया गया। सत्ता का पीठ पे परिवर्तन हुआ, ये 1967 में हुआ था, तब राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने सरकार का परिवर्तन किया था, संविद सरकार बनाई थी और 67 के बाद फिर इतिहास दोहराया और उन्हीं के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस की धोखेबाज सरकार कमलनाथ राहुल गांधी, जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया, किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन 15 महीने तक न मुख्यमंत्री बदला, न किसानों का कर्जा माफ हुआ, युवाओं को धोखा दिया कि 4,000 रुपए रोजगार देंगे सबको, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को कहा कि 1,000 रुपए पेंशन देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।